नमस्कार भैया बहनी, अपना पंचो देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के आज चौथी पुण्यतिथि आए, जोने के अवसर में ही जगह जगह पर कार्यक्रम के आयोजन की गहबे एक साथ है। उनकर चाहे वाले जगह जगह कार्यक्रम के आयोजन कर जरूरतमंदन के लाने कपड़ा फल फूल के वितरण करी। सभी शुभ चिंतक उनका याद कई के श्रद्धांजलि अर्पित करी। श्री तिवारी के अमहिया स्थित आवास माही उनकर पौत्र वधु अरुणा तिवारी पुष्पांजलि अर्पित करी। इस समय माही कांग्रेस के कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। हम आई अपना का दिखाए थे आयोजित कार्यक्रम और सुनाई के उनकर चाहे वाले के का कहब है। ये फल वितरण कार्यक्रम है, वो कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस हिंद प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता विंद नायक श्रीयुक्त श्रीनिवास तिवारी जी की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर वितरण किया गया है। उनकी विचारधारा की सर्व 18 वर्ग गरीब असहाय का विशेष ध्यान रख के उन्होंने हमेशा काम किया है और उनका इस बिंद की धारा में रीवा के धारा में उनका जो योगदान है राजनीतिक और सामाजिक वो रीवा और बिंद के जनता कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा कार्य किया है जो अविस्मरणीय है। जैसे आप उसको रीवा की जीवनदायिनी कहा जाता है। संजय गांधी जैसे अस्पताल की सौगात दी और उन्होंने कई सौगातें दी। दादाजी हम लोग हमारे सभी साथी कांग्रेस के हमारे सभी छोटे भाई बड़े भाई यहाँ पे इसी साल में हम लोगों ने फल वितरण किया था और सभी यहाँ गरीब है साहब बढ़ गया है लोग सबको उनको फल वितरण किया गया है। दादाजी प्रधानमंत्री आवास योजना कमजोर वर्गन के लाने की किफायती आवास उपलब्ध करावती। एक लाभ खातिर कमजोर वर्गन का कईक दर की पापड़ बेले पड़ा था, तब जाए के कहां लंबा इंतजार के बाद उनका ये योजना के लाभ मिल पावत है। और जब घर निर्माण के बारी आई तो हुमा अवरोध लगावा जा रहा है। खबर रीवा के अनंतपुर से है, जहां पीड़ित विजय साकेत निवासी अनंतपुर के कहब है कि ये योजना के तहत तो उनका आवास मिला है, जोने के निर्माण में ही स्थानीय निवासी रेशमी गुप्ता और महेंद्र तिवारी बाधा उत्पन्न कर लाहमा, जबकि निर्माण के सामग्री उनके घर के पास है पड़ी है। पीड़ित विश्वविद्यालय पुलिसों पर परेशान करे के आरोप लगाए, जबकि उनके पक्ष में ही कोर्ट के आदेश मिला है। वही संबंध में ही पीड़ित अब कलेक्टर का आवेदन दई के न्याय के गुहार लगाई है। समस्या लेके आए जी, मेरा सिविल में मुकदमा चलता रहा 2014 में। मुकदमा मेरा एक पंची हो गया, एक तरफा हो गया, खारिज हो गया। इसके अनुसार से मेरा काम नहीं होता सिविल के अनुसार से। क्या काम क्या? तो ये मैं घर आवास का मेरा पैसा मिला, प्रधानमंत्री आवास का मेरा पैसा, तो मेरे जहाँ पर ज़मीन रहेगा मैं वहाँ अपना घर बनाना चाहता हूँ। देर देर कहीं तहसील की है रिश्ते लगवा दिए, कहीं जेल की है लगा पाते हैं। मेरा 25 बोरी सीमेंट और जो मैं सामान पाए 1 लाख के सामान मैं खरीद के मेरा लोहा लंगर लोहा भी चुरा लिए, बालू गिट्टी मेरा इधर उधर। पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्र गुलाब नगर के एक दर्जन से अधिक छात्र कलेक्टर कार्यालय में ही पहुँच के छात्रावास में प्रवेश के मांग करी है। छात्र बताएं कि 2018-19 से पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्र गृह गुलाब नगर में संचालित है, जोने माही 2020-21 से अब तक रहे वाले छात्र विभिन्न महाविद्यालय में पढ़े वाले छात्र निवास कराला हम। छात्र गृह माही प्रवेश के नियम के अनुसार जिला संयोजक अनुसूचित जाति रीवा का उपरोक्त के संबंध में आवेदन देगा। पर संयोजक के द्वारा यह कहा जा रहा है कि छात्र गृह का बंद कई दिन का है। क्या है कि अपन लोग का छात्री अपन लोग रहते हैं, एक सरकार की स्कीम है, छात्रावास अलग होता है, छात्री अलग होते हैं। तो छात्री अपन लोग को पिछले तीन या चार साल से रेगुलर चल रहा था और शासन द्वारा बताया जाता है कि आपका छात्री निरस्त कर दिया गया और ना ही इनके द्वारा कुछ तो हमें नोटिस दी गई है और ना कुछ बताया गया है। बुलेटिन की अगली खबर है चौराहा थाना क्षेत्र के, जहां पुरानी जागीर निवासी पशुपालक कलेक्टर कार्यालय में पहुंच के अपन आप बीती सुनाई। पीड़ित यह बताएं कि बिजली के करंट लगे से उनकर गर्भवती भैंस के मौत हो गए। वहां यह घटना विद्युत विभाग के लापरवाही के चलते घटित भय रही।
विद्युत खंभा माही करंट फैले से गाभिन भैंस के मौत भय तो उनका क्षतिपूर्ति नहीं दिन जा रहा है। पीड़ित बताएं कि उनके परिवार के भरण पोषण के एक ऐसा साधन उनकर भैंस रही जो उनके विवाह के लापरवाही के भेंट चढ़ गए। श्रीमान जी, हमारी भैंस करंट में फंस के 28/5/2021 को मरी। आज तक बिजली विभाग के द्वारा हमें किसी तरह की मुआवजा नहीं मिला। हम कई थाना में भी आवेदन दिए और बिजली विभाग में। भैया बहनी, बुलेटिन के लिए खबर रही महूगंज से, जहां मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्रा के पदस्थापना के समय से पूरे जिला में ही अवैध पैथोलॉजी के साथ है अवैध मेडिकल स्टोरन के बाढ़ आई गए है। वहां जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति हो रही है। बीते रविवार का रात में ही जिला के टीम अवैध पैथोलॉजी के जांच कराए महूगंज पहुंची, जहाँ पैथोलॉजी सेंटरन सहित दीवारन में एक आदेश चस्पा कई के बेरंगे लौट गए। माना यह जा रहा कि अब पैथोलॉजी हमेशा खातिर बंद हो जाई, पर बिहन्ने होते समय पैथोलॉजी रोज के नाई खुले लागी। वहाँ अब लोगन के मन में यह बड़ा सवाल उठेला कि मऊगंज की पैथोलॉजी रात में अवैध पाई गई, अब बिहन्ने होते होते अचानक से वैध कैसन के हो गई, जो उनके नोटिस के बाद संचालित है। बुलेटिन की अगली खबर रीवा से रही, जहाँ शहर में ही चारों कई फैले अतिक्रमण का हटावे के मुहिम नगर निगम उड़नदस्ता के टीम करी सिवे। यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा और पुलिस कप्तान नवनीत भसीन के आदेश पर कीन गए। वहाँ एक दिन पहले मारथंड स्कूल के नियरे से अतिक्रमण हटावा का रहा, जहाँ बुधवार के बिहन्ने नगर निगम अमला, SP कार्यालय और शिल्पी प्लाजा के पीछे अवैध रूप से लगी दुकानन का हटाए दी। अपने बता दें कि इस जगह में ही कई बेर मारपीट की घटना हो चुकी है। अक्सर आधी रात तक यहाँ असामाजिक तत्वों के जमावड़ा लगा रहा था भाई। रोड के चरमू कई फैले अतिक्रमण के चलते जाम की स्थिति बनत रहा थी भाई। बतावत यह हो जाता भाई कि कई एक सफेद पोष और सरहंग लोग यहाँ अवैध घुमती रखवाई नहीं, जोने के बदले बेगारियों कराई जा रही है। पुलिस लगा कि पीछे की पार्किंग में जो अवैध ठेले रखे थे सबको हटाया गया, यहाँ पर सिर्फ पार्किंग बनाई गई। कहाँ से कहाँ तक ये कमिश्नर बंगला के सामने पुलिस लगा के पीछे। जिला माही भेड़ और बकरिन के चोरी रुके के नाम नहीं ले ला गया। पशु तस्कर इतना निर्भीक हो चुके हैं कि पशु पालकन माही प्राणघातक हमला कई के बकरी चोरी कर लाहमा। कुछ समय पहले सतना में हुई वारदात के अब तक पुलिस सुरागों नहीं लगा पाई कि एक लड़की पुन के रीवा जिले के मऊगंज के बहुती गांव के बाड़ा से 70 भेड़ बदमाश चुराए ले गए। घटना के जानकारी बिहन्ने भाई तो पशुपालक हैरान रह गए। भेड़ बकरिन के चोरी होने वाली घटना जिला के सेमरिया, मऊगंज, सिरमौर, गोविंदगढ़, जवा, सुहागी, गढ़ में घटित हो चुकी है। मऊगंज में तो स्थानीय लोग तस्करन का पकड़वो भे, पर पुलिस उनसे सच नहीं निकलवा पाई। तो भैया बहनी, आज के बुलेटिन में इतना ही। बघेली में खबर देखे के लाने देखत रही मारविंद के बघेली समाचार। साथ है चैनल का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूली। नमस्कार।